जी अस्सलाम वालेकुम। ये है, दुबई में पहुंच गया हूँ। और ये जो है एक्चुअली जब एयरपोर्ट से मैं निकल गया तो दोस्त भी मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो उसी टाइम पर वीडियो का टाइम नहीं मिला और दोस्त के पास गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली, कुछ भी पूछा भी नहीं, कुछ बस वीज़ा लगा के एक सिम भी मिला और अभी वो यहाँ पर आके दोस्त के साथ खाना गाना खाना हो गया। और अभी वो बाहर रह के बाहर चलते थोड़ा, तो बाहर आ गए तो थोड़ा घूमेंगे, इधर चाय में पियेंगे बाहर इंशाल्लाह। तो देखते रहिए आगे इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँगा और जो भी होगा इंशाल्लाह, तो देखते रहिए। याद इस तरह First उस time तरह to play बात नहीं this पकड़ रहा, game. इस तरह वीडियो बना रहा है ऐसे, अंदर नहीं रख ले, हाथ अंदर रख ले, मुश्किल नहीं है, हाथ इधर अंदर रख ले, अंदर रख ले, मुश्किल नहीं, कैसे चलना, चल आवे, मेरी तो बेइज्जती होगी। जी सलाम वालेकुम। टाइम है इवनिंग और इतने वक्त गए थे वहाँ पर, एक मॉल है वहाँ पर कुछ बिलियर्ड खेल रहा, मतलब स्नोकर और कुछ गेम्स एक्टिविटीज़ किए, तो बहुत एंजॉय किया। और अभी रूम में थोड़ा रेस्ट करके अभी फिर निकल गए, इरादा किए हुए दुबई मॉल, जो बुर्ज खलीफा के पास है, तो जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर सीन क्या होता है, क्योंकि दिन टाइम बहुत कम है और मतलब काउंटिंग डेज वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना है इंशाल्लाह। मैं यही बोल रहा, यही सोच रहा हूँ कि उसको यूज़ करूँ और जो थोड़ा सा टाइम मिले उसमें अपना जो भी प्लान है और जो मतलब अच्छी जगह देखने के लिए, घूमने के लिए वहाँ जाऊँ तो अच्छा रहेगा। और स्पेशली जो बुर्ज खलीफा है वो वहाँ तो जाना ऐसा है कि वहाँ नहीं, दुबई आया और वहाँ नहीं किया तो मतलब दुबई आया ही नहीं। इंशाल्लाह उधर जाएंगे और नेक्स्ट विजिट फिर देखेंगे, लेकिन अभी ये दुबई माल जो बुर्ज खलीफा है उधर जाना है ज़रूर, तो देखते रहिए। तो यहाँ आई थिंक ये जगह जो है, यहाँ देहरा बोलते हैं, देहरा, देहरा में रेगा या रेगा में देहरा है, जेंट सालोन। और अभी हम जाएंगे मेट्रो में, मेट्रो का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, वो भी आपको साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर ये भी मतलब बार इसने लगाए हुए, यहाँ से आप कॉइन्स डाल के गेम खेल सकते हैं। 240 केसी है। और यहाँ पर बहुत क्राउड दिख रहा है, जगह जगह कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए इस लोगों ने ये कार्ड फेंके हुए। टैक्सी अल मदीना में हाइपर मार्केट, और यहाँ पर ये मेट्रो है। बस
ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं अल रिगा। क्या हुआ इस जगह? किधर है? लाना था मैं इन दरवाजे पे खड़ा हूँ मैं, जल्दी आ। तो जी अभी एक दोस्त ने अभी बताया कि जो एक उसका दोस्त है वो आ रहा है, तो उसने कहा वो गाड़ी में डायरेक्ट लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। वापसी में शायद हम मेट्रो में आएंगे, तो इसका एक्सपीरियंस वापसी में शेयर करेंगे। और ये यहाँ का व्यू है बिल्कुल अलग। तो जी अस्सलाम वालेकुम, अभी सुबह सुबह दूसरा दिन अंकल के साथ। हाय। और अभी जा रहे हैं नाश्ते के लिए। कल का दिन पूरा घूमा फेरा, लेकिन जो प्लान था वो नहीं हुआ। जिधर जाना था दुबई मॉल, तो वहाँ पर नहीं चले, और इंशाल्लाह वहाँ पर कल जाएंगे। आज प्लान है अबू धाबी जाने का, और अभी अंकल के साथ आया, लोग जाके नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे आपको जो भी है, तो देखते रहिए इंशाल्लाह। तो जी कल रात को हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर भीड़ आपने देखा था। अभी तो दिन का टाइम है, लोग सो रहे होंगे शायद। कल रात को इधर बहुत रश था, और फ्राइडे भी था ना, तो इसकी वजह से लोग बहुत लोग आते जाते थे। जी दुबई में मैंने एक चीज़ नोटिस किया जो टैक्सीज का है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। टैक्सी आपको हर स्टैंड में नज़र आएंगे, देखो टैक्सीज टैक्सीज, और फटाफट आपको टैक्सी मिलता है हर स्टैंड में। और आपको मतलब जो जैसा बहरीन में मैंने देखा कि वहाँ पर टैक्सियाँ सिर्फ बहरीनीस को अलाउड है, और जो कंपनीज है उसका लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर टैक्सी मेरे सामने तकरीबन ही खड़े हैं, और विद इन 10 to 15 मिनट इतने टैक्सी निकल गए इधर से कि मैं हैरान रह गया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए आपको रोड्स के ऊपर टैक्सी टैक्सी नज़र आएंगे, ज़्यादातर टैक्सी देखे सामने, और रोड पर भी और स्टॉप पर भी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा परसों में गया था वहाँ
अबूधाबी में, बाद में मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, दोस्त के साथ गया था, मोबाइल में स्पेस भी नहीं था जगह, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर सका। और अभी लास्ट दिन था आज अबूधाबी में, दोस्तों के साथ गया था। अभी दोस्त वापस लेके जा रहे हैं और जा रहे हैं बुर्ज खलीफा की तरफ। उसके बाद जो तकरीबन 1 बजे हमने एयरपोर्ट पहुंचना है, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फर्स्ट लुक है बुर्ज खलीफा का, सामने आ चुका है फर्स्ट टाइम। और यहाँ साथ में रईस हम हैं, मेरा दोस्त है भाई जैसा, और पीछे जो है मेरा एक अंकल है और एक वो भी भाई है, तो हम लोग चलते हैं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, वो सामने जो है ना फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक बुर्ज खलीफा का, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नज़दीक जाके देखेंगे। तो जी ये है बुर्ज खलीफा। अच्छा जी, ये है लेवल 1। अभी हम मॉल में ये एंटर हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से हम मॉल में एंटर हो जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे। ये एंट्रेंस है, तो जी हम आ गए हैं यहाँ पर। और इस तरफ जो है ये बुर्ज खलीफा, इस तरफ है जो कि बादल भी आए हैं, तो बादल के बीच में ऊपर जाते हुए और भी क्राउड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कितने। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरफ पूरे लास्ट तक लोग अच्छा अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ है, मतलब लोग ज़्यादा आ चुके हैं, ज़्यादा बहुत। और अभी आई थिंक 11:30 को ये बंद होना है। Oh, my God.
تو جی یہ ہے واٹر فال جو برج خلیفہ کے پاس دبئی مال میں ایک فیمس واٹر فال ہے. یہ ہے وہ واٹر فال, ہم یہاں پر آئے ہیں. ماشاء اللہ اور اچھا ایسا سیم وہاں پر بھی ہے. تو جی دبئی میں جو اتنا واٹر فال تھا وہاں پر آئے تھے اور جو برج خلیفہ تھا اس کو انجوائے کیا. اور ابھی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیکسیز کو, آپ دیکھیں یہاں پر کتنے ٹیکسی ہیں. آپ دیکھ لیں یہ لائن پورا ٹیکسیوں کا ہے اور لاسٹ تک آپ کو ٹیکسی ہی نظر آئیں گے. دیکھیں ماشاء اللہ. تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پارکنگ کی طرف, گاڑی میں سامان پڑا ہوا ہے اور ٹائم بھی ہو گیا ہے تقریباً, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر جائیں گے تو اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بحرین مال, مطلب جو اس کا برج خلیفہ کا پارکنگ ہے. اس پارکنگ کو آپ دیکھیں کتنا صاف ستھرا, اور اس میں سائنس روڈ سائنس یہ اسپیشلی جو پارکنگ ہوتا ہے جو ڈسیبلڈ ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں. اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت اور کلین صاف ستھرا, آپ کو مطلب کدھر بھی ایسا کچھ کچرا وغیرہ نظر نہیں آئے گا. Hmm.